कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कोरोना वायरस को लेकर जहां प्रदेश सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों को सराहा है, वहीं इसी मामले को लेकर प्रदेश सरकार व प्रदेश भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कोरोना वायरस को लेकर जहां प्रदेश सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों को सराहा है, वहीं इसी मामले को लेकर प्रदेश सरकार व प्रदेश भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी उठाए हैं। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रामलाल ठाकुर ने कहा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एडवाइजरी के तहत प्रदेश में मनाए जाने वाले सभी मेलों को स्थगित कर दिया गया है और स्कूलों तथा कॉलेजों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में छुट्टियां कर दी हैं तथा किसी भी बड़े समारोह व बैठक के आयोजन को बंद कर दिया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वहीं गत दिवस भाजपा ने पोंटा साहिब में अपना कार्यक्रम किया। उन्होंने व्यंग्य कसते हुए कहा कि क्या भाजपा ने अपने इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि उसके कार्यकर्ताओं या फिर पदाधिकारियों को कोरोना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व भाजपा को कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए तथा इसे लेकर उठाए गए निर्देशों पर स्वयं भी अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश ने कोरोना को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते तथा इस महामारी से बचने के लिए सभी को अपने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत दिनों देश में रंगों का त्योहार होली मनाया गया तथा प्रदेश में काम करने वाले बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश आदि के लोग इस त्योहार को मनाने के लिए अपने घरों में गए थे तथा संबंधित लोग अब वापस हिमाचल में आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि क्या इन प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच करने के आदेश दे रखे हैं या नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपने घरों से वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य जांच करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के बावजूद चातलाई व द्योरचित में चल रहे चैत्र मास के मेलों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनों को आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने जानना चाहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती बिना राजनीतिक भेदभाव के करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले मार्कंड, नमहोल, मलोखर, भड़ेतर, द्योत, छड़ोल, स्वारघाट, बहल, स्वान, स्लोवा, तरसू व नैना देवी में चिकित्सकों के पद खाली चल रहे हैं। प्रदेश सरकार से सवाल किया कि यदि इन क्षेत्रों के लोगों को यदि संबंधित रोग हो जाए तो वे अपना इलाज कहां करवाएंगे। भगवान से ये प्रार्थना कि वो सही सलामत और उनकी सेहत ठीक रहे, ये सबको जो है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप कोरोना वायरस को रोकने की बात कर रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कारण क्या है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं, 2 कम्युनिटी सेंटर हैं और जिनको जो है वो 50 बेड का हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड कर दिया है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर नहीं है। 5 पोस्टों के अगेंस्ट मारकंडा जो जुखाड़ा में हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिसको मुख्यमंत्री जी ने पीछे 50 बेड का हॉस्पिटल घोषित किया, मैं ये कहना चाहूँगा कि कारण क्या है कि वहाँ पे 5-6 पोस्टें जो है वो सेंक्शन है लेकिन 2 ही डॉक्टर हैं। हमारे एक पढ़ेतर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर के बिना है। एक हमारा जो है वो मलोखर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर के बिना है। नमहोल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, 2 पोस्टें सेंक्शन है, डॉक्टर एक है, वो भी जुखाड़ा में तैनात कर रखा है। द्योत प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है। छड़ोल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है। स्वारघाट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें 2 पोस्टें हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। स्वान और बैड़ में डॉक्टर नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 50 बेड हॉस्पिटल जिसको बनाया वो है हमारा ग्वांडर नैना देवी जी, वहाँ पे 3 पोस्टें भरी हुई है, बाकी खाली पड़ी हुई है। स्लोवा में डॉक्टर नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि तरसू में डॉक्टर नहीं है। ये तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र का बता रहा हूँ। अगर मान लो ये महामारी कहीं पे भगवान न करे कि हमारी तरफ को इसका मुंह हो जाए या लोग हमारे जो बाहर हैं उनको इस बात की कोई
मान लो कोई बीमारी से जो है ना वो कोई तकलीफ हो जाए, तो हमारे ये जो कटा फटा एरिया है इसमें स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की इतना बुरा हाल है कि पिछले वर्षों से भी मैं चीखता आया हूँ, इस विधानसभा सेशन में भी बोला हूँ, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे डॉक्टर ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और ये तैनातियाँ जो है वो राजनीतिक आधार के ऊपर ये तैनातियाँ जो है वो की जा रही हैं। कृपया करके मैं कहना चाहूँगा इन चीज़ों को का ध्यान रखा जाए, और सबको मैं सब बीमारी है तो पूरी दुनिया में है, उसमें हम भी अलग नहीं हैं। हमको राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, यानी मापदंड मेरे लिए कुछ और हो और दूसरी पार्टियों के लिए कुछ और मापदंड हो, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश की सरकार से, और हम सबको उसमें मदद करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं चले आऊँ वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके, ये रामलाल ठाकुर विधायक आया और उन्हें जायज़ा ले लिया, ये जायज़ा लेने की बात नहीं है, लेकिन वो सबको उसके बारे में चिंतित होना चाहिए और उस चिंता सबकी है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।